नमस्ते दोस्तों, कभी सोचा है कि ऐसा कौन सा जादुई स्टफ है जो ढेरों चीजों में छुपा है? चलो आज हम पीवीसी प्लास्टिक की दुनिया में घूमने चलते हैं। पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड की कहानी बड़ी दिलचस्प है। इसे पहली बार 1870 के आसपास बनाया गया, लेकिन बड़े पैमाने पर बनना तो 20वीं सदी के बीच में शुरू हुआ। मजबूत, लचीला और सस्ता होने की वजह से ये हर जगह छा गया। पीवीसी एक पॉलीमर है, यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की लाइन लगी होती है। इन्हें मोनोमर कहते हैं। पीवीसी में ये मोनोमर है विनाइल क्लोराइड। जब ये मोनोमर्स आपस में मिलते हैं तो लंबी लंबी चेन बन जाती हैं, जो पीवीसी को ताकतवर बनाती हैं। पीवीसी के कई फायदे और नुकसान हैं। ये टिकाऊ होता है, मौसम और केमिकल्स से नहीं डरता और बनाने में भी खास खर्चा नहीं होता। ऊपर से इसे रिसाइकल भी किया जा सकता है, तो कुछ मामलों में ये एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। लेकिन पीवीसी बनाने से कुछ खतरनाक केमिकल्स हवा में घुल जाते हैं, जैसे विनाइल क्लोराइड मोनोमर। साथ ही कुछ स्टडीज कहती हैं कि पीवीसी से इंसानों को भी खतरा हो सकता है। पीवीसी का इस्तेमाल कई जगहों पर होता है, जैसे घर बनाने में, पाइप, खिड़कियां, फर्श, साइडिंग, रोजमर्रा की चीजें, खिलौने, पैकेजिंग, फर्नीचर और इंडस्ट्री में भी, वायर और केबल इंसुलेशन, गाड़ियों के पार्ट्स। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, पीवीसी हमारी जिंदगी में और भी अहम हो जाएगा। वैज्ञानिक पीवीसी बनाने के नए और सस्टेनेबल तरीके ढूंढ रहे हैं, जिससे एनवायरनमेंट को कम नुकसान पहुंचे। चुनौतियां तो हैं, लेकिन पीवीसी का भविष्य उज्ज्वल है। पीवीसी एक पेचीदा मटेरियल है, जिसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। इसके बारे में समझकर ही हम इसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। पीवीसी प्लास्टिक की इस सैर में हमारे साथ आने के लिए शुक्रिया। अगर कोई सवाल है या पीवीसी के बारे में और जानना है तो नीचे कमेंट में पूछिए। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारे और वीडियो आपको मिलते रहें।